हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से संडे है और संडे मैंने आपको बोला था स्पेशल सेशन होने वाला है गाइस, और आज संडे हमारा थर्ड सेशन होने वाला है गाइस। मैं पुराने दो वीडियोस बना चुका हूँ स्पेशल संडेज के गाइस। तो आपको क्या करना है, कॉमर्स बडी सर्च करना है यूट्यूब में, द कॉमर्स बडी में प्लेलिस्ट में आपको चले जाना गाइस, और उधर पे आपको मिल जाएगा स्पेशल संडे के दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, और आज ये थर्ड वीडियो है गाइस संडे का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अपलोड हो जाएगा गाइस 4 बजे, तो जिनको भी देखना आप डायरेक्टली देख सकते हो। इसमें बेसिकली आज मैं आपको कोर्सेस बताने वाला हूँ एक नए प्लेटफॉर्म के गाइस, और प्लस उसमें सर्टिफिकेट्स भी गाइस आपको मिलने, और फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ पे नहीं करना है गाइस। प्लस आपको 15 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस, तभी आपको समझ आएगा कैसे क्या एनरोल करना है। और जितने भी अगर मैं पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे गाइस, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, संडे स्पेशल तो मैंने आपको बता ही दिया, और लास्ट में केस स्टडी कॉम्पिटिशन। तो गाइस बेसिकली मैंने 5 कैटेगरी में सब डिवाइड किया है, तो जिनको भी जो भी कोर्सेज लेने हैं, जो भी इंटर्नशिप स्कॉलरशिप चाहिए, वो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं गाइस। और आपको कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, प्लस आप मेरे को लिंक्डइन या इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर सकते हो, उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर देना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूं। प्लस अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे गाइस। तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, जो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक नया एक इसके अपन कह सकते हैं गाइस, जैसे यूडमी या कोर्सेरा वगैरह होता है, वैसे ये गाइस एक है कॉग्निटिव क्लास। तो कॉग्निटिव क्लास बेसिकली इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली IBM या और भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके साथ इनका टाइप है गाइस। तो इससे टाइप से क्या होता है गाइस, बेसिकली ये होता है कि जो भी IBM या कोई भी बड़ी कंपनी कोई भी कोर्सेस वगैरह लाती है गाइस, तो वो इनको इनकी वेबसाइट में कुछ टाइम के लिए फ्री दिए जाते हैं, ठीक है। तो वही अभी आज टाइम है गाइस, आज ये लोग फ्री कोर्सेज दे रहे हैं सभी लोगों को। तो आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप डेटा साइंस से रिलेटेड हो, ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग, कुबरनीट्स, जिससे भी गाइस आप रिलेटेड हो, आप ये वाले कोर्सेस एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, तो मैं आपको इसलिए पूरा बताऊंगा कैसे क्या करना है गाइस। तो आप देख सकते हो, ये मैं बेसिकली कॉग्निटिव क्लास के ऑफिशियल पेज में पहुंच गया हूँ गाइस। मैं आपको डायरेक्टली इस पेज की लिंक दे दूंगा, या डायरेक्टली मैं कोर्सेज की लिंक दे दूंगा, मैं आपको जितने भी कोर्सेज बताऊंगा सबको ऑर्डर वाइज मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो जो भी आपको कोर्सेज एनरोल करना है, बस आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा गाइस, आप एनरोल कर सकते हो, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कुछ कुछ क्विज भी होंगे, हर चीज गाइस अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले गाइस अपन को इसमें क्या करना है, जैसे ही आप इस पेज में पहुंच जाओ गाइस, तो आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है आपको रजिस्टर और साइन इन, ठीक है। तो अब आप अगर न्यू यूजर हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो गाइस। तो अगर जैसे मैंने रजिस्टर क्लिक किया गाइस, ठीक है, तो आप रजिस्टर में आप देखोगे तो या तो अपने जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट किसी से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह, नहीं तो फिर गाइस आप अपना खुद का एक इधर से भी बना सकते हैं, फुल नेम, एक यूजर नेम, आप जैसे आप गाइस इंस्टाग्राम का होता है आपका यूजर नेम, ऐसे कुछ आप यूजर नेम यहाँ पे बना सकते हो। फिर आपको एक ईमेल आईडी अपनी डालनी है गाइस, और अपना पासवर्ड डाल के एग्री करके क्रिएट अकाउंट कर देना गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो अब और अगर आपका गाइस अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको ये फॉलो करना, अगर आपका गाइस अकाउंट है, आप पहले कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है गाइस तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है गाइस, अगर आप न्यू यूजर भी हो तो आप साइन इन में चले जाओ। साइन इन में आप देखोगे तो ये ऑप्शन दिख रहा है गाइस गूगल, ठीक है। तो गूगल में आपको चले जाना है गाइस, अपना अकाउंट गाइस आपको जीमेल से कनेक्ट करके आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा काम नहीं है गाइस। एक बार जैसे ही आपका अकाउंट हो जाए, आप देख सकते हो मेरा नाम आ रहा है, डायरेक्ट यूजर नेम आ रहा है, और फिर डायरेक्टली मैं एग्री करूंगा गाइस, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दी कैसे क्या करना है। कोई भी डाउट वगैरह तो आप डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि वेबसाइट में कैसे आप साइन इन या लॉग इन कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब मैं आपको कोर्सेज के ऊपर लेके चलता हूँ गाइस। तो पहला कोर्स है जैसे हमारा डीप लर्निंग फंडामेंटल्स गाइस। तो बेसिकली ये कोर्स आप देख सकते हो, ये फ्री कोर्स अभी दिया जा रहा है, और इसमें बेसिकली आपको होलिस्टिक अप्रोच बताई जाएगी डीप लर्निंग और उसके फंडामेंटल से रिलेटेड गाइस। तो ये अगेन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है गाइस। अगर आप देखोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि डीप लर्निंग क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूट्रल नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं, डीप डीप लर्निंग इतना ज्यादा क्यों यूज है, क्या क्या टूल्स होते हैं उसके,
फिर रैपिडली चेंज हो रहा है गाइस अभी डेटा साइंस, तो उसमें इसका क्या रोल है ये सब गाइस आपको बताने वाले हैं। तो अब आप देखोगे नीचे करोगे स्क्रॉल तो ये कोर्स नंबर है गाइस, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये बस ऐसे ही दिया है। ऑडियंस है, कोर्स लेवल है, लैंग्वेज है, बैज है और टेली ऑफ रेंट, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको कुछ आपको करना नहीं है गाइस, ये मेन है। ये आपका टोटल होने वाला 3 आवर्स का वीडियो लेक्चर, ठीक है गाइस। वीडियो लेक्चर भी हो सकता है, कुछ आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट्स भी मिले या हो सकता है कुछ डाउनलोडेबल रिसोर्सेस मिले गाइस, तो वो अपन कह नहीं सकते, अलग अलग चीजें होने वाली इसमें, तो अपन उसके बारे में नहीं कह सकते। बस आपको ये रखना 3 आवर्स का होने वाला है। अब अपन गाइस बात कर ले तो कोर्स सिलेबस की आप देखोगे तो बेसिकली सबसे पहले आपको टोटल इधर 4 मॉड्यूल्स हैं गाइस। तो मॉड्यूल 1 में आपको डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा, जिसमें बेसिकली न्यूट्रल नेटवर्क क्या होता है, फिर डीप लर्निंग क्या होता है, हाउ टू चूज बिटवीन डीप न्यूट्रल नेटवर्क्स, उसके बारे में गाइस बताया जाएगा। फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन्स और डीप बिलीफ नेटवर्क्स, ये गाइस आपको मॉड्यूल 1 में बताने वाले हैं। फिर आप देखोगे तो मॉड्यूल 2 में बेसिकली आपका डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूड, मतलब और भी ज्यादा आपको डीप में बताया जाएगा, जिसमें आपका कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स हैं, रिकरेंट नेट्स हैं, फिर ऑटो कोडर्स हैं गाइस, रिकर्सिव न्यूट्रल टेंसर नेट्स हैं और डीप लर्निंग यूज केसेस। तो गाइस ये होने वाला आपका मॉड्यूल 2, तो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने समझाया गाइस A to Z। और इनफैक्ट मैंने भी 2 कोर्सेस लेके रखे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मैंने कौन से 2 कोर्सेस लिए गाइस। फिर आप देखोगे मॉड्यूल 3, तो मॉड्यूल 3 में गाइस आपको प्लेटफॉर्म्स बताएंगे जो कि डीप लर्निंग में यूजफुल होते हैं। पहले आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रो करेंगे क्या क्या होता है, फिर आपको H20.AI के बारे में बताएंगे और फिर DataGraph.AB के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मॉड्यूल 3। और फिर हमारा गाइस मॉड्यूल 4 जो कि लास्ट मॉड्यूल है, इसमें आप देखोगे तो डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे गाइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, टॉर्च, केफल, थीनियो, ये सब गाइस आपकी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, तो ये सब गाइस आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हो दिस कोर्स इज फ्री, आपको कुछ पे नहीं करना गाइस, और आप कभी भी इसको कर सकते हैं, मतलब ये लाइफ टाइम एक्सेस है गाइस। और फिर आपको गाइस देखोगे तो आपको आखिरी में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, जिनको भी लेना है आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। मैं बता दूं कैसे क्या करना है, जैसे ही आपने अकाउंट अपना साइन इन कर लिया तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन दिख रहा है, मतलब जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लॉग इन टू एनरोल, तो आपको क्या करना है गाइस लॉग इन टू एनरोल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉग इन टू एनरोल करोगे गाइस तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट मांग रहा है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है गाइस, मैंने अगेन आपको बताया साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, बस यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दो, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और फिर पासवर्ड आप अपना खुद का डाल लो। पासवर्ड नहीं डालना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो गाइस, बहुत ही बेस्ट आइडिया क्या है, रजिस्टर पे जाओ गाइस अब, और फिर उसके बाद आप देखोगे यू आर सक्सेसफुली साइंड इनटू विद गूगल, वी जस्ट नीड अ लिटिल मोर, ठीक है। तो अब आप ये कर दो, आई एग्री करके और क्रिएट अकाउंट कर दो, सिंपल प्रोसेस है गाइस, और कुछ करना नहीं है। तो जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो आप देख सकते हो लोड हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ये मैंने देखो गाइस लोड लोड कर लिया, और अब डायरेक्टली आप देख सकते हो अब मेरे पास ये डायरेक्टली अकाउंट खुल गया, ओपन हो गया। तो अब आपको गाइस करना क्या, अगर जैसे आपको कोई भी कोर्सेज वगैरह चाहिए, तो जैसे मान लो यही कोर्स है गाइस डेटा साइंस का, ठीक है। तो डेटा साइंस का मैं आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ कैसे क्या देखना है। लेट सपोज जैसे मान लो इसमें था आपका बिग डेटा, डेटा साइंस, ठीक है। तो अब डेटा साइंस में जाऊंगा गाइस, डेटा साइंस में वही वाला मैं कोर्स आपको लेके दिखा रहा हूँ कैसे क्या लेना है गाइस, ठीक है। तो जैसे मान लो गाइस ये आपका, ठीक है, डेटा डेटा विजुअलाइज, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, ठीक है। ये वाला गाइस मैं कोर्स आपको लेके दिखाता हूँ कैसे लेना है, ठीक है। तो बस आपको गाइस इसको क्लिक करना है, आप देख सकते हो लॉग इन टू एनरोल, तो लॉग इन टू एनरोल कर लेना है गाइस आपको, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, आप देख सकते हो, तो ये देखो गाइस मेरे में डायरेक्टली आ गया है डेटा एनालिसिस विद पाइथन, क्योंकि मेरा ये देखो आप अकाउंट लॉगिन हो गया है, Sparsh4766 गाइस आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही मैंने अकाउंट ले लिया गाइस, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, ग्रेडिंग, चेंज लॉग, कॉपीराइट्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 5, ऐसे करके गाइस आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट एंड बैच भी मिलेगा गाइस। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, बस आपको क्या करना है गाइस, मैं आपको अगले फिर से नए मैं लेके दिखाता हूँ कैसे क्या लेना है। तो बस आपको एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना, जैसे आप अकाउंट साइन इन कर लोगे, और साइन इन करने के बाद गाइस आपको स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर देना है, जो भी आपको कोर्सेज चाहिए तो सब आपके उसमें आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो भी आपके प्रोग्रेस में आप देखोगे तो जितने भी आपने कोर्सेस वगैरह लिए वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे गाइस। अभी मैंने कोई कोर्सेस इधर से लिए नहीं है, तो मेरे में अभी खाली यहाँ पे दिख रहा है,
बट मैंने दूसरी आईडी से लिए, तो मैंने उसमें बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और डेटा एल्गोरिथम का गाइस कोर्स लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी कोर्स आपको चाहिए गाइस आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली है एसेसिंग हडूप Hadoop data using Hive। तो basically यहाँ पे guys आपको Hadoop के बारे में बताएंगे, तो जिनको भी Hadoop में interest है या जो भी Hadoop software सीखना चाहते हैं जो कि basically data warehousing में use होता है, तो उनको भी guys same process है, again आपको login to enroll करना है, login to enroll करोगे तो यहाँ पे directly वो हो जाएगा automatically, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, ठीक है guys। फिर उसके बाद गाइस आप इसमें देखोगे बेसिकली, तो आपको यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको टोटल 4 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाट विल आई गेट आफ्टर पासिंग दिस सर्टिफिकेशन, तो बेसिकली गाइस एक सर्टिफिकेशन है जो कि IBM की तरफ से दिया जा रहा है, और इसमें आप देखोगे तो कोर्स सिलेबस में आपको 4 लेसन बेसिकली मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू हाइव के बारे में बताएंगे, जिसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया है व्हाट इज हाइव, व्हाट इट्स यूज एंड हाउ इट कंपेयर्स टू अदर सिमिलर टेक्नोलॉजीज। फिर आपको डिस्क्राइब द हाइव आर्किटेक्चर उसके बारे में गाइस बताएंगे, फिर डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइव, फिर लिस्ट इंटरेस्टिंग वेज अदर्स कैन यूज हाइव, ये आपको गाइस लेसन 1 में बताने वाले हैं। फिर आप देखोगे तो लेसन 2 में गाइस आपको हाइव डीडीएल के बारे में बताएंगे, इसमें बेसिकली हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, फिर टेबल्स आप कैसे बना सकते हो गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डीडीएल कमांड्स आप कैसे यूज कर सकते हो, फिर पार्शनिंग टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अदर ऑफ हाइव क्वेरीज, फिर क्रिएटिंग मैनेज्ड एंड एक्सटर्नल टेबल्स इन हाइव, तो ये सब गाइस आपको बताने वाले हैं, ठीक है। फिर आप लेसन 3 देखोगे गाइस, तो लेसन 3 में आपको मिल जाएगा हाइव डीएमएल के बारे में बताएंगे, डेटा मशीन लैंग्वेज गाइस, इसमें बेसिकली आपको लोड डेटा के बारे में बताएंगे, हाइव में कैसे लोड होता है डेटा, फिर उससे एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, और फिर रन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट हाइव क्यूएल मॉडल्स के बारे में गाइस आपको बताने वाले हैं। फिर आप देखोगे तो लेसन 4 में गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइव ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताएंगे, वैरायटी ऑफ हाइव ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, यूटिलाइज कैसे कर सकते हो उन्हें गाइस, और डिफरेंट डिफरेंट वेज बताएंगे कैसे आप उनको देख सकते हो गाइस हाइव को। तो ये सब गाइस आपका कोर्स कंटेंट होने वाला है, तो जिनको भी अलग कोर्स एनरोल करना डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस ये वाला जो हाइव दिया जा रहा है हडूप का बेसिकली, ठीक है। अब हमारा थर्ड नंबर का कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली गेम प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गाइस। बेसिकली जिनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना हो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने गेम्स में, जो भी आप गेम डेवलप करोगे उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज देखना है, तो आप ये वाला कोर्स बेसिकली ले सकते हो गाइस। तो इसमें आपको हर चीज बताई गई, आप कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो क्या क्या दिया है, और यू विल ऑल्सो रिसीव अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और ये फ्री दिया जा रहा है गाइस। अगेन आप देखोगे तो 4 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है ये। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेटअप योर एनवायरनमेंट, बेसिकली आपको गाइस IBM के बारे में बताएंगे, जो कि Kubernetes सर्विस कमांड लाइन यूटिलिटीज होता है गाइस। फिर उसके बारे में गाइस आपको एक्सेस करना बताएंगे, एक्सेस योर क्लस्टर एंड क्लोन द रिपो रेपो, फिर इंस्टॉल आप कैसे IBM क्लाउड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, फिर उसमें डाउनलोड क्या क्या चीजें गाइस आपको करनी पड़ेगी, फिर इंस्टॉल द गेस्ट बुक ऐप विद मैनुअल इंजेक्शन, तो गाइस ये सब गाइस आपको बताने वाले हैं, ये आपका सेटअप है, ठीक है। फिर बेसिकली ये लोग आपको गाइस 5 to 6 लैब्स देने वाले हैं, तो लैब 1 में आप देखोगे तो ऑब्जर्विंग मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग के बारे में गाइस बताया जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस मिलेंगे, उनको फिर आपको कॉन्फिगर करना है, फिर व्यू करना है, फिर कनेक्टिंग करना है, ठीक है गाइस। फिर आपको लैब 2 में एक्सपोज किया जाएगा, मतलब अलग अलग जो कि सर्विसेस होती है गाइस, जिसमें आपको कंट्रोलर, फिर गेस्ट बुक ऐप, फिर उसके बाद सेटअप कैसे करो उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले। फिर यहाँ पे आप देखो तो मैनेज ट्रैफिक उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है, और फिर सिक्योर योर सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट जो कि सर्विसेज होती है उसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं उससे रिलेटेड गाइस ये आपको लैब 4 में मिलेगा। और जो कि लैब 5 रहेगी उसमें बेसिकली आपको एनफोर्स पॉलिसीज फॉर माइक्रो सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट जो कि माइक्रो सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट पॉलिसीज बताने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है भाई गाइस, जिनको भी एनरोल करना है डायरेक्टली कर सकते हो। मैं अगेन इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रॉपर मैं आपको ऑर्डर वाइज ही दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है गाइस, जो भी आपको लेना है आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। अब हमारा 4th नंबर का कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस है गाइस। ये अमेजिंग कोर्स है, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको भी एनरोल करना गाइस, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी ईयर के हो गाइस, आप ये वाला कोर्स डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस गाइस। इसमें बेसिकली गाइस आपको 3 आवर्स का वीडियो लेक्चर, 3 आवर्स का कोर्स कंटेंट होने वाला है,
यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जो कि पहला आपका गाइस डिफाइनिंग डेटा साइंस। तो डेटा साइंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इंट्रो रहेगा बेसिकली, उसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं टू डेटा साइंस, फिर क्या क्या एडवाइस होती है फॉर अ न्यू डेटा साइंटिस्ट गाइस, फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के गाइस बारे में गाइस आपको बताने वाला हूं, डेटा साइंस अभी 21st सेंचुरी में क्या क्या यूज है उसके बारे में गाइस आपको बताने वाले हैं। तो ये आपका था मॉड्यूल वन। फिर आपका गाइस मॉड्यूल टू में आप देखोगे तो डेटा साइंस कौन कौन यूज करता है, मतलब डेली आप डे टू डे बेसिस पे यूज करते हो गाइस, फिर पाइथन और आर लैंग्वेज के बारे में गाइस आपको बताने वाले हैं, या फिर आपको एक डेटा साइंस टूल्स और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्लस आपको रिग्रेशन एनालिसिस जो कि मल्टीपल और लीनियर रिग्रेशन होता है उससे भी रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हो, या आपके दोस्तों को भी एनरोल करना है डेटा साइंस तो आप डायरेक्टली उनको भी शेयर कर सकते हो। फिर आप देखोगे गाइस तो आपको डेटा साइंस एंड बिजनेस से रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में कैसे डेटा साइंस चलता है गाइस, क्या क्या टिप्स होती फॉर रिक्रूटिंग डेटा साइंस पीपल और फाइनल डिलीवरेबल, तो आपको कैसे क्या एचआर, अगर आप फ्यूचर में एचआर बनना चाहते हो डेटा साइंस से रिलेटेड तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है गाइस। फिर आप देखोगे तो मॉड्यूल फोर में आपको यूज केसेस बताएंगे डेटा साइंस से रिलेटेड, जिसमें आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा फॉर डेटा साइंस और रिपोर्ट स्ट्रक्चर बताई जाएगी कैसे क्या आप यूज कर सकते हो उसे। और फिर लास्ट जो कि मॉड्यूल 5 है उसमें गाइस आपको डेटा साइंस पीपल के बारे में बताएंगे, जिसमें बेसिकली आपको थिंग्स डेटा साइंस पीपल से क्या क्या उनको अपना प्रेफरेंस रहता है गाइस डेटा साइंस को रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपका मॉड्यूल 5 होने वाला है गाइस। तो ये अगेन फ्री दिया जा रहा है गाइस और आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो जिनको भी ये कोर्स एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो गाइस, अमेजिंग कोर्स है ठीक है, 3 आवर्स का है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा गाइस, तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हो ठीक है। ये हमारा था 4th नंबर का गाइस ठीक है। अब हमारा 5th नंबर का कोर्स आता है जो कि बेसिकली गाइस सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूजिंग क्लाउड फंक्शंस डेवलपर 1 ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है गाइस, जिनको भी क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि अपन देख रहे हैं गाइस आज की फील्ड में गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन वगैरह सब एडवांस हो रहा है गाइस। तो इसलिए अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बनता है तो बहुत ही अमेजिंग एक बात हो जाएगी गाइस, और आपके सिलेक्शन भी कोई भी कंपनी में चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सब बनता है ठीक है गाइस। तो आप देखोगे तो ये 3 घंटे का वीडियो लेक्चर होने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंड हाउ सर्वरलेस कंप्यूटिंग वर्क्स, कैसे आप वर्क करता है, फिर आपको डिफरेंट पैकेजेस के बारे में बताना पड़ेगा, और फिर क्रिएटिंग एंड मैनेज सर्वरलेस फंक्शंस उससे रिलेटेड गाइस आपको बताना पड़ेगा, एक्सपोजिंग फंक्शंस टू वेब एक्सेसिबल एंड पॉइंट्स एंड APIs, और फिर नेविगेट द वेब यूजर इंटरफेस टू परफॉर्म सिमिलर टास्क दैट मिरर CLI कमांड्स ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो तो कोर्स सिलेबस में आपको गाइस बेसिकली मॉड्यूल 1 मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स दिए हैं गाइस यहाँ पे। तो मॉड्यूल 1 में आप देखो तो सर्वरलेस एसेंशियल्स के बारे में बताएंगे ये लोग, जिसमें बेसिकली आपको गाइस सर्वरलेस सिंप्लीफाइंग द ऑप्स लैंडस्केप फॉर डेवलपर्स उससे रिलेटेड बताएंगे गाइस, फिर अंडरस्टैंडिंग बेसिक सर्वरलेस प्रोग्रामिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग, और जो कि सेमिनार्स होते हैं IBM के गाइस उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हैं, या फिर आपको गाइस फेस और सेस के बारे में बताने वाले गाइस, जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं गाइस ये आपको, और फिर टॉप यूज केसेस फॉर सर्वरलेस, फिर हाउ IBM क्लाउड फंक्शंस इंप्लीमेंट्स, ये सब गाइस आपको मॉड्यूल 1 में बताने वाले ठीक है। फिर आप मॉड्यूल 2 की बात कर लो गाइस, तो इसमें आपको क्रिएट एंड इनवोक एक्शंस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको बेसिकली इंस्टॉलिंग लैब prerequisite, फिर क्रिएटिंग एंड इनवोक एक्शंस, यूज एक्शन पैरामीटर्स, रिट्रीव एक्शन लॉग्स, ये सब गाइस आपको बताने वाले मॉड्यूल 2 में ठीक है। फिर आप देखोगे तो मॉड्यूल 3 में गाइस आपको मैनेज एक्शंस विद पैकेजेस से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको यूज पैकेज्ड एक्शंस, क्रिएटिंग योर ओन पैकेजेस उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले मॉड्यूल 3 में। फिर अगेन आप मॉड्यूल 4 की बात कर लो तो इसमें बेसिकली आपको कनेक्ट एक्शंस टू इवन सोर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट जो कि सोर्सेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्रिएटिंग ट्रिगर्स, प्रैक्टिस रूल्स ऑफ ए कनेक्टिंग ट्रिगर फीड्स, ये सब गाइस आपको बताने वाले हैं अपने मॉड्यूल 4 में गाइस। फिर आप नेक्स्ट देखो तो मॉड्यूल 5 में गाइस आपको एक्सपोजिंग द APIs फ्रॉम एक्शंस उससे रिलेटेड गाइस बताने वाले हैं, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, क्रिएटिंग वेब इनेबल्ड एक्शंस और API मैनेजमेंट ऑफ वेब एक्शंस, तो ये गाइस आपको मॉड्यूल 5 में मिलेगा ठीक है। और फिर लास्ट मॉड्यूल जो कि आपका 6 होने वाला गाइस, इसमें बेसिकली आपको वेब यूजर इंटरफेस से रिलेटेड बताने वाले हैं, यहाँ पे आपको क्रिएटिंग एंड इनवोक एन एक्शन, फिर क्रिएटिंग ट्रिगर्स विद इम्प्लिसिट रूल्स, एक्सपोजिंग वेब एक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जो कि एक्शंस होते हैं, और फिर क्रिएटिंग एन API
और फिर एक्सप्लोरिंग द मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। तो गाइज ये बेसिकली आपको 6 मॉड्यूल्स हमने दिए हैं और आपको गाइज बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, बहुत ही आपको सरल भाषा में बताया गया A to Z। जिनको भी वाला कोर्स लेना गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप मतलब डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर थोड़ा बहुत IBM के जो की बेसिक्स वगैरह है क्लाउड से रिलेटेड, वो सब गाइज आपको बताने वाले, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर का कोर्स आता है गाइज, जो कि बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। IBM का ब्लॉकचेन फाउंडेशन डेवलपर का कोर्स है गाइज ये बेसिकली, और ये अभी फ्री दिया जा रहा है। अगर आप ये वाला कोर्स बाद में करोगे तो ये हो सकता है 2,000 से 3,000 का हो जाए गाइज। तो जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप देखोगे अगेन ये 6 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो कोर्स सिलेबस में आपको प्रॉपर पहले ब्लॉकचेन कैसे कंपोज हुआ, क्या क्या भाई हाइपर लेजर कंपोजर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं गाइस। फिर आपको बिजनेस नेटवर्क के बारे में बताएंगे, जो कि बेसिकली कार ऑक्शन मार्केट होता है। और फिर आपको एक्सटेंसिव फेमिलियर ओपन टूल्स डिफरेंट जो कि ओपन टूल्स हमारे होते हैं। फिर उससे डेमो रिलेटेड गाइस आपको हाइपर लेजर कंपोजर बताया जाएगा। फिर एक लैब वन में आपको बेसिकली यहाँ पे क्रिएटिंग हाइपर लेजर कंपोजर सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। और एक मॉड्यूल वन मिलेगा गाइस आपको, जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे पहला पार्ट अपना। फिर आपका गाइस नेक्स्ट रहेगा ब्लॉकचेन फैब्रिक डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे गाइस, जिसमें बेसिकली अगेन आपको पार्टिसिपेंट्स एंड कंपोनेंट्स ओवरव्यू क्या होता है, फिर डेवलपर कंसिडरेशंस क्या क्या होती हैं, फिर आप कैसे ब्लॉकचेन एप्लीकेशन लिख सकते हो। और फिर लास्ट में आपका गाइस अगेन मॉड्यूल 2 का क्विज होएगा, ठीक है गाइस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और फिर थर्ड में गाइस आपका ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर कंसिडरेशंस, फिर सिक्योरिटी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, फिर आर्किटेक्ट कंसिडरेशंस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कंसेंसस कंसिडरेशंस, और फिर गाइस आपकी लैब 3 होगी जिसमें बिल्डिंग योर ओन नेटवर्क, और फिर लास्ट में गाइस आपका मॉड्यूल 3 होने वाला है अगेन क्विज। और फिर जैसे ही आप तीनों मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लो गाइस, तो फिर आपका एक फाइनल एग्जाम भी होगा। फाइनल एग्जाम गाइस बहुत सिंपल होगा, आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत बस क्विज रहेंगे गाइस, MCQs रहेंगे और लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब एक बार अगर आप पास नहीं हो पाते तो आप अगेन फिर से दे सकते हो गाइस, और आपको डायरेक्टली इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा ब्लॉकचेन का। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, ठीक है। जिनको भी एनरोल करना डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली IBM की तरफ से अपाचे पिग 101 कोर्स दिया जा रहा है गाइस। बेसिकली पिग वाज इनिशियली डेवलप्ड एट याहू। तो गाइस ये बेसिकली याहू की तरह याहू ने बनाया था गाइस। पिग एक सॉफ्टवेयर है जो कि अब गाइस अपाचे पिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, तो इसमें अब IBM भी यूज करता है पिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो उसी से रिलेटेड गाइस ये अपाचे पिग 101 एक नया कोर्स बना दिया IBM ने गाइस। तो आप यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो पिग के बारे में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है या कोर्स कंटेंट होगा गाइस। यहाँ पे आप कोर्स सिलेबस की बात कर लो तो पहले आपको पिग का बेसिक्स बताएंगे, जिसमें आपको लिस्टिंग द वेज टू इन्वॉल्व पिग, फिर डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन पिग, फिर हाउ टू यूज load operators to read data, फिर describe how to substitute parameters in a pig script, और फिर explaining how to use the output operator to write data। तो ये सब guys आपको बताने वाले lesson 1 में। फिर आप lesson 2 की बात कर लो guys, तो यहाँ पे आपको pig relational operators के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको relational operators used in pig क्या क्या होते हैं, फिर explain how to flatten your data, फिर describing difference operators। तो ये सब guys आपको lesson 2 में बताने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है गाइस। और फिर आप देखोगे लेसन 3 में गाइस आपको पिग इवैल्यूएशन फंक्शंस और उसके कमांड्स बताएंगे, जिसमें बेसिकली गाइस आपको इवल फंक्शंस यूज्ड इन पिग, फिर HDFS शेल कमांड्स आपको बताने वाले हैं गाइस। यहाँ पे आपको पिग स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और प्लस आपको गाइस ऑपरेटर भी रहने वाला है। तो जिनको भी अलग कोर्स एनरोल करना है डायरेक्टली कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। अमेजिंग कोर्स होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर का कोर्स है गाइस, जो कि बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन विद पाइथन है गाइस। अगेन बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है गाइस, आप देख सकते हो 4.2 रेटिंग्स है आउट ऑफ 5 गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, आपको प्रॉपर डेटा विजुअलाइजेशन से चीजें बताई जाएगी और विद पाइथन लैंग्वेज यूज होगी गाइस। आप देख सकते हैं 3 घंटे का वीडियो लेक्चर होने वाला है गाइस। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे गाइस। मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन
टू विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें बेसिकली आपके डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स इंट्रो के बारे में बताएंगे गाइस, फिर आपको मैटप्लॉटलिब के बारे में गाइस बताएंगे, फिर प्लॉटिंग कैसे करते हो गाइस, इमिग्रेशन क्या होता है और लाइन प्लॉट्स के बारे में बताने वाले हैं गाइस। तो ये आपका मॉड्यूल वन होएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे तो मॉड्यूल टू में गाइस आप देखोगे तो आपको बेसिक विजुअलाइजेशन टूल्स बताने वाले हैं, जो कि बेसिकली एरिया प्लॉट्स होते हैं गाइस डिफरेंट डिफरेंट, और फिर हिस्टोग्राम से रिलेटेड गाइस, और फिर बार चार्ट्स भी आपको बताएंगे, तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फिर आप मॉड्यूल थ्री की बात करो गाइस तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में बताएंगे, जो कि पाई चार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट पाई चार्ट्स में आप कैसे बना सकते हो, फिर बॉक्स प्लॉट गाइस आपको बताएंगे, फिर स्कैटर प्लॉट के बारे में गाइस आपको बताने वाले हो, फिर बबल प्लॉट्स। तो ये सब गाइस इनका मॉड्यूल थ्री होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका गाइस मॉड्यूल फोर होएगा, तो मॉड्यूल फोर में आप देखोगे तो आपको एडवांस विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में बताएंगे, जो कि बेसिकली वेफिल चार्ट्स होते हैं, वर्ड क्लाउड्स वगैरह होते हैं गाइस, और सी बॉर्न एंड रजिस्ट्री रिग्रेशन प्लॉट, जो कि अलग अलग रिग्रेशन होते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उससे रिलेटेड गाइस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये आपका था मॉड्यूल फोर। और फिर लास्ट मॉड्यूल जो कि आपका मॉड्यूल फाइव होएगा गाइस, इसमें बेसिकली आपको क्रिएटिंग मैप्स एंड विजुअलाइजेशन से रिलेटेड गाइस आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको अगेन इंट्रोडक्शन टू फोलियम, फिर मैप्स विद मेकर मार्कर्स, और फिर आपको गाइस क्लोरोप्लेथ मैप्स के बारे में बताएंगे। तो जिनको भी अलग कोर्स एनरोल करना है डायरेक्टली कर सकते हो, ये बेसिकली पाइथन का ही कोर्स है गाइस, और अगेन डेटा विजुअलाइजेशन से दिया जा रहा है। तो अगर गाइस आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हो या अगर गाइस आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो भी आप अलग कोर्स ले सकते हैं विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन में आप बेसिकली अलग अलग डेटा को एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखोगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी डेटा एनालाइज करने में मदद करे, ठीक है गाइस, समझ आया। अब अपन नेक्स्ट अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जो कि बेसिकली रोबोटिक्स से रिलेटेड है गाइस। जिनको भी रोबोट्स वगैरह सीखना है कैसे बनाते हैं, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐप जैसे वॉटसन, स्विफ्ट और नोड जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर गाइस आपको बनाने, तो आपको ये अलग कोर्स करना है तो आप कर सकते हो गाइस। यहाँ पे अभी देखो अगेन आप तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, 6 आवर्स का वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप खुद ही देख सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड बताने वाले हैं, जो कि नो एसक्यूएल डेटाबेसिस रहने वाले हैं, डिफरेंट पिक्चर्स आपको गाइस रेस्ट कैम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर्स, फिर ट्विटर नोटिफिकेशंस जो कि बेसिकली होते हैं सेंडिंग सिंपल कमांड्स फ्रॉम योर स्मार्टफोन टू अवर रोबोट्स कॉल्ड आई रोबोट क्रिएट टू, ये सब गाइस आपको बताने वाले। तो जिनको भी अलग कोर्स एनरोल करना आप डायरेक्टली ये वाला कोर्स भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस और कुबरनीट्स है गाइस। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है गाइस और बहुत ही ज्यादा चल रहा है ये वाला कोर्स कुबरनीट्स से रिलेटेड। तो अगेन आप देखोगे तो ये आपका 8 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है, मतलब कोर्स कंटेंट रहेगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो मिनी कोर्सेस आपको बताने वाले हैं, जिसमें बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिर अलग अलग सर्वर्स जो कि होते कुबरनीट्स के, फिर आपको कंटेनर्स के बारे में गाइस आपको बताएंगे, जिसमें आपको अलग अलग लाइट वेट पोर्टेबल एंड एफिशियंट विजुअल मशीन वर्चुअल मशीन्स के बारे में पता चलेगा गाइस। यहाँ पे आपको IBM क्लाउड डेवलपर टूल्स, जो कि बेसिकली रैपिड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और डिप्लॉय करते हैं गाइस बाय जनरेटिंग टेम्पलेट एप्लीकेशंस, बेसिकली आपको टेम्पलेट से रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको अगेन क्लाउड फाउंड्री एसेट्स के बारे में बताएंगे, कोड जनरेट कैसे होता है उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हैं, फिर टेम्पलेट जनरेट्स आपको अलग अलग डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेशंस इनिशियल कुबरनीट्स डिप्लॉयमेंट, उनके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे आप कुबरनीट्स में बहुत ही अपना अच्छा बना सकते हो वीडियो, तो ये सब गाइस आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है, अमेजिंग होने वाला है। तो जिनको भी एनरोल करना डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली क्लाउड नेटिव का है, तो क्लाउड नेटिव का भी अमेजिंग कोर्स है गाइस। ये आप अगेन देखोगे तो क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का है बेसिकली गाइस, ये भी अगेन IBM की तरफ से दिया जा रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन आपका ये इसमें 1 या 2 घंटे का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको कोर्स स्टाफ में स्टाफ मेंबर 1, स्टाफ मेंबर 2, इन लोगों ने ऐसे करके सब डिवाइड किया है गाइस। तो जिनको भी अलग कोर्स डायरेक्टली लेना डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी में गाइस क्या क्या डिफरेंट फीचर्स रहते हैं क्लाउड रिलेटेड, वो सब गाइस आपको बताने वाले हैं। तो अमेजिंग कोर्स होने वाला है, जिनको भी एनरोल करना है डायरेक्टली कर सकते हो। मैं अगेन आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग का है। तो मशीन लर्निंग में गाइस आपको बताया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट
रिडक्शन के बारे में बताएंगे, फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, अलग अलग जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड गाइस बताने वाले हैं, फिर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हो। 6 आवर्स का लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे भी अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर उससे मशीन लर्निंग से रिलेटेड पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं, हर चीज गाइस। इनने कोर्स कंटेंट बहुत ही सॉलिड दिया है, तो जिनको भी एनरोल करना गाइस मशीन लर्निंग का, अगेन आईबीएम का है गाइस कोर्स, तो वो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता गाइस, जो कि बेसिकली ये वाला मैंने आपको बता दिया था, राइट। और अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता गाइस, जो कि बेसिकली डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस यूजिंग ज़ू कीपर है गाइस। तो बेसिकली अपन देखते हैं ना गाइस, अगर आप एक जगह बैठे हो और आप चाहते हो कि हर जगह, मतलब आप जैसे भाई आप चाहते हो कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर जो कि है वो दूसरी कंट्री में भी ऑपरेट हो गाइस, तो बेसिकली आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज करोगे, तो वो सॉफ्टवेयर आप गाइस दूसरों का यूज करने की बजाय आप खुद का यूज बना सकते हो गाइस। तो वो कैसे बनाओ गाइस, ये वाला एक ऐप है ज़ू कीपर, उससे रिलेटेड गाइस ये आपको प्रॉपर एक ट्यूटोरियल दिया जाएगा ज़ू कीपर का। तो जिनको भी अलग कोर्स लेना है डायरेक्टली ले सकते हो। यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो 3 से 4 घंटे का गाइस ये वीडियो कंटेंट होने वाला है या जो भी इसमें रहने वाला है गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो कोर्सेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेसन 1 में गाइस आपको मिलेगा कि आपको इंट्रोडक्शन टू ज़ू कीपर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या रहते हैं ज़ू कीपर के बारे में, फिर उसके बाद गाइस आपको डिस्क्राइब द ज़ू कीपर कंसिस्टेंसी गारंटीज उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हैं, फिर ज़ू कीपर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं गाइस वो आपको बताने वाले हैं, फिर यहाँ पे आपको गाइस एक डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस मिलने वाले हैं गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। फिर आप लेसन 2 में देखोगे तो आपको डेटा मॉडल के बारे में बताएंगे गाइस, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो, CLI रन कमांड्स पूरा डिटेल में गाइस आपको बताने वाले हैं। फिर आप गाइस आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग विद एडवांस टॉपिक्स के बारे में बताएंगे गाइस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको मैनेज शॉप ACL ऑथेंटिकेशन टू कंट्रोल परमिशंस, फिर आपको फिर आप कैसे क्लाइंट्स से वर्क कर सकते हो, कैसे आप उनके कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आप उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो गाइस, तो ये सब गाइस आपको बताने वाले। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, जिनको भी लेना आप डायरेक्टली कर ले सकते हो। आप इसका ये भी पढ़ सकते हो, ये कोर्स अभी फ्री दिया जा रहा है, लाइफ टाइम एक्सेस है गाइस। तो जिनको भी अलग कोर्स लेना आप डायरेक्टली अलग कोर्स एनरोल कर सकते हो, और कोई भी डाउट वगैरह तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में गाइस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े गाइस अपन। ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया नेक्स्ट कोर्स, ठीक है गाइस। अब हमारा अगला कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली डेटा एनालिटिक्स एंड रिग्रेशन से रिलेटेड है। तो अगेन ये भी कोई अमेजिंग कोर्स है गाइस, इसमें भी आपको प्रॉपर हर चीज बताई जाएगी डेटा एनालिटिक्स और रिग्रेशन, मल्टीपल और लीनियर रिग्रेशन के बारे में गाइस। और डेटा एनालिटिक्स में गाइस आप कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप ये वाला कोर्स डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, और इसका हर जगह यूज है गाइस। अगर आप डालोगे गूगल में डेटा एनालिटिक्स जॉब्स तो ढेरों जॉब्स आ जाएंगी, जो कि आराम से आपको एवरेज पैकेज गाइस 6 से 7 लाख का देंगी, अगर आपको डेटा एनालिटिक्स का आपका सर्टिफिकेशन है तो। तो आप देख सकते हो गाइस ये 6 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो कोर्स कंटेंट में आपको हर चीज पता चल जाएगी, आप ये प्रॉपर पढ़ भी सकते हो अपने हिसाब से गाइस। हर चीज इनने बताई है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें बनेगी गाइस, हर चीज आपको बताएगी, और ये गाइस आपको पढ़ाएगी टीचर। तो जिनको भी डायरेक्टली कोई भी डाउट वगैरह तो आप इनसे ही पूछ सकते हैं FAQ में, नहीं तो फिर आप गाइस मेरे को भी कमेंट सेक्शन मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसमें बता दूंगा क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या एडवांटेज है, सब चीजें गाइस आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली अगला है IBM की तरफ से दिया जा रहा है, बिल्ड योर ओन चैटबॉट। तो गाइस जिनको भी खुद का एक चैटबॉट बनाना है, चैटबॉट आप समझ गए गाइस, बेसिकली अपन कुछ भी रोबोट टाइप का बेसिक, जैसे अपन कहीं पे भी आप जा, जैसे आपने व्हाट्सएप गाइस ओपन किया, व्हाट्सएप में लिखा आता है, टेलीग्राम आपने किया तो टेलीग्राम में लिखा आता है ना हाय टेलीग्राम, तो ये बेसिकली क्या है गाइस, उन लोग के खुद के चैटबॉट होते हैं, जो कि अलग अलग आप कोई भी वेबसाइट खोलो गाइस तो उसमें लिखा जाता है लेफ्ट साइड या राइट साइड में, आप देखो मे आई हेल्प यू ऑटोमेटिक, तो ये बेसिकली क्या होते गाइस, चैटबॉट होते हैं। तो गाइस ये तो अपन ने देख लिया चैटबॉट, बट आपको खुद का बनाना चैटबॉट, वो आप कैसे बनाओगे गाइस, तो ये बेसिकली कोर्स दिया जा रहा है। यहाँ पे आप अगेन देखो रेटिंग्स तो 4.6 आउट ऑफ 5, और गाइस 159 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं, तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। अगेन ये आपको 4 आवर्स का वीडियो लेक्चर मिलेगा,
यहाँ पे, तो जिनको भी अलग कोर्स एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कोर्स सिलेबस में आपको इंट्रोडक्शन टू चैटबॉट्स के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इसमें चैटबॉट क्या क्या होते हैं, फिर उनका इमर्जेंस मतलब कब आए थे गाइस, और फिर उनका मैसेंजर्स में क्या क्या यूज होता है, फिर डिफरेंट फिर जो की कॉग्निटिव कंप्यूटिंग्स वगैरह होती है उसमें क्या इसका यूज होता है गाइस, फिर हुआ चैटबॉट्स फॉर मतलब बेसिकली किसके लिए चैटबॉट बनाए जाते हैं और क्यों लोग यूज करते हैं इसे, इसके बारे में गाइस आपको बताने वाले हैं, और फिर चैटबॉट वी आर गोइंग टू बिल्ड, और फिर एक अपन चैटबॉट इस कोर्स में बनाने भी वाले हैं गाइस। तो अमेजिंग कोर्स होने वाला है, प्रॉपर आपको इंग्लिश में मिलेगा और बिगिनर लेवल का गाइस, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, तो कोई भी अटेंड कर सकता है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो भी अलग कोर्स एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था मॉड्यूल वन। फिर आप मॉड्यूल टू की बात करो गाइस, तो मॉड्यूल टू में आपको मिल जाएगा गाइस इंट्रोडक्शन टू वॉटसन कन्वर्सेशन गाइस, इसमें बेसिकली आपको वॉटसन से रिलेटेड बताने वाले हैं क्या क्या चीजें होती हैं, फिर आपको इंटेंट्स एंटिटीज डायलॉग उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताएंगे, जो कि अलग अलग डायलॉग डिजाइन होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के, वो आपको गाइस बताने वाले। फिर यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्डिंग द फ्लावर शॉप चैटबॉट, एक आपको चैटबॉट भी बनाया जाएगा जो कि बेसिकली फ्लावर शेप का होएगा, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है गाइस, इसलिए मैंने आपको बोला आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्कशॉप्स दी जाएंगी, फिर उनके इंटेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या एंटिटीज का यूज है गाइस उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा, फिर आपका क्रिएटिंग द डायलॉग बॉक्स उससे रिलेटेड गाइस आपका रहेगा, और फिर ट्राइंग आउट टू चैटबॉट क्या क्या चैटबॉट में चीजें होती है उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया जाएगा, फिर इटरेटिवली इंप्रूविंग द चैटबॉट आप कैसे चैटबॉट को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, तो ये सब गाइस आपको मॉड्यूल थ्री में बताने वाले हैं, ठीक है। तो अमेजिंग कोर्स होने वाला, जिनको भी लेना आप डायरेक्टली ले सकते हो। फिर आप देखो नेक्स्ट तो आपका मॉड्यूल फोर है गाइस, मॉड्यूल फोर में आप देखोगे तो डिप्लॉइंग आर चैटबॉट ऑन वर्डप्रेस, तो गाइस अब आप वर्डप्रेस भी जानते हो तो वर्डप्रेस में आपको बता देता हूँ, वर्डप्रेस तब यूज होता है गाइस जैसे आप एकदम न्यू डेवलपर हो वेबसाइट के और आपको खुद की एक वेबसाइट बनाई, तो आप गाइस वर्डप्रेस पे बना सकते हो, आपको खुद का अपना गेम बनाना है तो भी आप गाइस वर्डप्रेस में बना सकते हो, तो बहुत ही यूजफुल है वर्डप्रेस गाइस। उसमें रिलेटेड गाइस आपको अलग अलग इनने चैटबॉट जैसे फ्लावर वाला आपको बताया, फिर ये एक और चैटबॉट बनाएंगे जो कि वर्डप्रेस में यूज होएगा, तो ये सब गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, पूरा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलेगा ही गाइस, और फिर आप डायरेक्टली ये अपना सर्टिफिकेशन डाल सकते हो अपने रिज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल में कि आई नो द नॉलेज ऑफ चैटबॉट्स, या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है आपने गाइस चैटबॉट का, ऐसे करके गाइस आप डाल भी सकते हो जिससे इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छा, और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे गाइस। आप देख सकते हो ग्रेडिंग स्कीम भी, मतलब बेसिकली जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में एक टेस्ट होता है गाइस जिसमें 70%, तो आपको कोशिश करनी गाइस कि आप वर्थ 50% कोशिश करो, मार्क्स आ जाए गाइस तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग है। और ये एक ही अटेम्प्ट है गाइस, यू हैव वन अटेम्प्ट टू टेक द एग्जाम, ठीक है गाइस, तो एक ही अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, इसलिए कोशिश करना गाइस आप जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे स्कोर कर लो, ठीक है, एक बार में, तो बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइस, जिनको भी एनरोल करना है आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो ये वाला कोर्स, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट नंबर का कोर्स आता है गाइस जो कि बेसिकली डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है गाइस अगेन, और ये बेसिकली आपको पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे बिगिनिंग से कि जिनको भी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को में भी कोई भी डाउट वगैरह है, या बिल्कुल जिनको भी नहीं बनता वो लोग ये अलग कोर्स ले सकते हैं गाइस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको बेसिकली 3 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे भी ML और ML ऑप्स के बारे में बताएंगे आपको गाइस, यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डिफरेंट फ्रेंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग पाइथन फॉर डेटा साइंस से रिलेटेड, और फिर डिफरेंट फ्रेंड लाइब्रेरीज जो कि रिलेटेड लाइब्रेरीज होती इंक्लूडिंग बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स थ्रू स्कीलर्न, फिर ऑटोमेटिक बिल्ड्स ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स विद ऑटो AI डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स एज API एंड पॉइंट्स, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जनिंग द डिप्लॉयड मॉडल्स उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले, फिर एक्सप्लेन करेंगे गाइस आपको AI मॉडल्स से रिलेटेड, और फिर बिल्डिंग पर्सपेक्टिव मॉडल्स विद डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन, तो गाइस उससे रिलेटेड भी आपको बताने वाले, तो जिनको भी यहाँ कोर्स लेना आप डायरेक्टली ले सकते हो, बहुत ही अमेजिंग कोर्स दिया जा रहा है गाइस, और अभी ये फ्री दिया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना गाइस, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हो गाइस, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स है गाइस। ये भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है गाइस क्वांटम, और ये भी अगेन आईबीएम की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो अलग अलग कोर्स सिलेबस में गाइस आपको 6 आवर्स का वीडियो लेक्चर होने वाला, और अगेन ये डिफिकल्टी बिगिनर है गाइस, तो कोई भी कर सकता है यहाँ पे गाइस। कोर्स सिलेबस की बात करें गाइस, आपको बेसिकली यहाँ पे अलग अलग लैब्स मिलेंगी, सुपर पोजिशन, एंटेंगलमेंट, अनसर्टेनिटी, अलग अलग लैब्स मिलेगी गाइस। और फिर आप कोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, अलग अलग 5-4 लोग रहने वाले हैं गाइस, जो कि बेसिकली आपको आईबीएम का जितना भी है वो सब गाइस आपको बताने वाले हैं। और फिर ग्रेडिंग स्कीम की भी बात करो गाइस, तो आपको प्रॉपर आपको 100% मार्क्स स्कोर, 100% में से आपको 80% एटलीस्ट मार्क्स स्कोर करने तभी गाइस आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है, जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली ये वाला भी कोर्स एनरोल कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये हमारा था क्वांटम कंप्यूटिंग का गाइस, ठीक है। अब हमारा 19th नंबर का कोर्स आता है गाइस, जो कि बेसिकली डेटा साइंस इन हेल्थ केयर एडवांस मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन का है गाइस, जो कि बेसिकली जिनको भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डेटा साइंस कैसे काम करता है और मशीन लर्निंग वो वाला कोर्स जिनको भी सीखना गाइस, आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। ये भी अमेजिंग कोर्स होने वाला है, क्योंकि अभी कोरोना सिचुएशन में गाइस इतना ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, तो अब लोग चाहते हैं घर बैठे बैठे हम चेकअप कर ले अपना कि हमें कोरोना है कि नहीं है। तो गाइस वहां पे डेटा साइंस यूजफुल है, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइस हेल्थ केयर सेक्टर में गाइस। तो आप देखोगे यहाँ पे भी अगेन आपको 1 आवर का वीडियो लेक्चर मिलेगा, और उसमें आपको पूरे कोविड में क्या क्या डिफिकल्टीज हुई हर चीज गाइस आपको बताएंगे, कैसे आप ट्रांसफॉर्म इमेजेस कर सकते हो, फिर डिफरेंट क्रिएटिंग फीचर्स क्या क्या होते हैं गाइस, फिर बिल्डिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस मॉडल क्या क्या है, और फिर सीएनएन मॉडल्स क्या क्या होते हैं, और फिर बिल्डिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन एक्सरे फोटोज, तो गाइस उससे रिलेटेड भी आपको बताने वाला है। तो जिनको भी ये वाला कोर्स एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये हमारा था 19th नंबर का कोर्स गाइस, ठीक है। अब हमारा लास्ट कोर्स है गाइस, जो कि बेसिकली 20th नंबर का कोर्स है, जो कि बेसिकली डेटा साइंस इन एग्रीकल्चर लैंड यूज क्लासिफिकेशन का कोर्स है गाइस। ये अगेन आप देख सकते हो 3.9 रेटिंग्स है, और अगेन बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस। आप देख सकते हो सिर्फ 1 घंटे का वीडियो लेक्चर होने वाला है ये, और इसमें भी आप देखोगे तो बेसिकली आपको डिफरेंट फिर लैब्स के बारे में बताएंगे, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो और उनको विजुअलाइज भी कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट इमेजेस। फिर आपको डेटा सेट क्रिएशन के बारे में बताएंगे गाइस, कैसे आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन भी बताया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको गाइस यहाँ पे क्रिएटिंग योर ओन मास्क ऑफ लैंड यूज, ये भी गाइस आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब आपको गाइस बेसिकली आप कोई भी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्रिएटिंग अ डेटा सेट ऑफ द कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आप इमेज बना सकते हो गाइस, फिर एक क्लासिफिकेशन मॉडल भी आप कर सकते हो गाइस, और बिल्डिंग लैंड यूज मार्क्स बेस्ड ऑन अ क्लासिफायर, तो गाइस आप ये भी कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, और अगर आप डिफिकल्टी की बात करो तो ये एडवांस है, मतलब अगर गाइस जिनको पहले से बनता है डेटा साइंस, जो कि बेसिक बनता है गाइस, जिनको इंटरमीडिएट भी बनता है, तो ही ये वाला कोर्स वो लोग ले सकते हैं गाइस, क्योंकि एडवांस लेवल का कोर्स दिया जा रहा है और ये इंग्लिश में रहेगा गाइस। और अगेन मैंने आपको टाइप तो बताई दिया, कोर्स नंबर आपको कोई इनवैलिड है गाइस, ये सब मत देखना कोर्स नंबर, बस आपको एनरोल कर लेना है। तो ये बेसिकली आज मैंने आपको 20 कोर्सेस के बारे में गाइस बताया है, और एक कोर्स लेके भी दिखा दिया डेटा एनालिसिस विद पाइथन का गाइस। तो मैं प्रॉपर ऑर्डर वाइज आपको हर कोर्स की लिंक दे दूंगा, जो भी आपको कोर्सेस एनरोल करने आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो गाइस, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो गाइस। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ गाइस, अपन 5 मिनट बाद मिलते हैं। वो 5 मिनट बाद गाइस मैं आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ इंटर्नशिप्स आपको बता देता हूँ 10 to 15, तो आप डायरेक्टली उसमें भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके ओके, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं गाइस अपन।
हाँ तो दोस्तों अपन वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, आप लोगों ने भी 10 मिनट का ले लिया होगा गाइस ब्रेक। अब अपन गाइस इंटर्नशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटर्नशिप में आपको बता देता हूँ गाइस, बेसिकली अलग अलग फिर से इंटर्नशिप दी जा रही। 1 मिनट, हाँ गाइस तो अपन फिर से स्टार्ट देखते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा था गाइस, अब सही हो गया। ठीक है, हाँ गाइस तो आपको दिख रही होगी गाइस स्क्रीन। अब अपन गाइस इंटर्नशिप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको गाइस 10 से 11 इंटर्नशिप बताने वाला हूँ। जो भी आपको इंटर्नशिप में एनरोल करना गाइस, आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, और कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहली इंटर्नशिप आती है गाइस, जो की बेसिकली आपको दी जा रही है, सेल्स की इंटर्नशिप है गाइस। और ये आपको गाइस महिंद्र हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से दी जा रही है गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो 6, ये आपकी लोकेशन नवी मुंबई दिखा रहा है, बट अगेन गाइस कोरोना है तो वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है गाइस, तो आपको कहीं पे ट्रेवल नहीं करना है। आप देखोगे तो ये 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली गाइस, और ये आप देखोगे तो 20,000 पर मंथ गाइस आपको देने वाले, तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं गाइस, 2 फरवरी 2022 तक गाइस अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो तो 88 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। और अगेन गाइस आप देखोगे तो आपका काम क्या होने वाला है, एंगेजमेंट से रिलेटेड, पूरा बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स रिलेटेड है गाइस। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे इंटर्नशाला में है, और मैं गाइस जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे में गाइस ये यहाँ पे रेड बॉक्स आ रहा है। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताया, अगर आपको रेड बॉक्स मिल जाए तो समझ लेना गाइस आप उधर आपको आप उस सिटी में से बिलोंग नहीं करते। मतलब जैसे ये सिर्फ मुंबई वालों के लिए गाइस, क्योंकि रेड बॉक्स आ रहा है। अगर आप गाइस मुंबई वाले हो तो आपके में ये एलिजिबल है, बट अगर कोई मुंबई से बाहर वाला है तो वो ये वाली इंटर्नशिप में अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस बात का गाइस आपको याद रखना, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है गाइस, ये भी बहुत अमेजिंग इंटर्नशिप है गाइस, जो की LIC की तरफ से दी जा रही है, और ये बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्नशिप है गाइस, जिसमें भी अगेन आपको बताया जाएगा 1 महीने की इंटर्नशिप होने वाली गाइस, और आपको 2,000 रुपीज मिलेंगे, प्लस अलग से इंसेंटिव बोनस भी मिलने वाला है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अर्ली एप्लीकेंट है, मतलब अभी तक किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाए और आप जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ यहाँ पे गाइस। यहाँ पे आप बेसिकली आपको सिलेक्ट इंटर्न्स डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बेसिकली रिपोर्टिंग टू द ऑफिसर इन चार्ज, आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी उन्हें, जो भी आपको काम दिया जाएगा, जो भी टास्क आपका रहने वाला है, वो सब गाइस आपको ट्रेनिंग या वर्कशॉप में बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको गाइस वर्किंग ऑन बिजनेस डेवलपमेंट और अटेंडिंग यूनिट मीटिंग्स एंड डेवलपिंग न्यू सेल्स स्ट्रेटजीज, तो गाइस ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बतानी है, क्या क्या स्किल्स चाहिए। आप देख सकते हो गाइस डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगेन आप देखो गाइस रेड बॉक्स है, मतलब ये सिर्फ उनके लिए गाइस जो इस लोकेशन में जा सकते हैं, मतलब अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद और खेड़ा। तो गाइस ये बेसिकली लोकेशन, अगर आप इन लोकेशन से बिलोंग करते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, और अभी जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि अभी ये इतना ज्यादा फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको डायरेक्टली अप्लाई भी करने मिल जाएगा। और लास्ट डेट आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2022 होने वाली। ठीक है गाइस, अब हमारी थर्ड इंटर्नशिप है गाइस, जो कि बेसिकली ऑपरेशंस इंटर्नशिप है, अपग्रेड की तरफ से दी जा रही है गाइस। यहाँ पे आप देखो तो 2 महीने की इंटर्नशिप होने वाली है, और आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिलेंगे गाइस। और आप अगेन देखो तो इसकी डेडलाइन 2 फरवरी 2022 दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 639 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, प्लस आपको यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है आप देख सकते हो। प्लानिंग सब्जेक्ट्स एंड फैकल्टीज फॉर लाइव सेशंस, आपको उनका गाइस बेसिकली जो भी लाइव सेशन रहेगा, यूट्यूब सेशन रहेगा, उनको आपको ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग विद HODs एंड फैकल्टीज एंड इंश्योरिंग क्लासेस आर डिलीवर्ड एज पर द पेयर्ड शेड्यूल। फिर उसके बाद गाइस कोऑर्डिनेटिंग विद फैसिलिटीज रिलेटेड टू क्लासेस, कोई भी क्लासेस वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो सब गाइस आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपर फैकल्टीज का स्ट्रक्चर, कंटेंट हाई क्वालिटी है कि नहीं है,
यहाँ पे आपको मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, हर का डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको बताना पड़ेगा, ये सब गाइस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। तो यहाँ पे गाइस आपको सिंपल है, एमएस वर्ड चाहिए, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट गाइस बनना चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इसमें आप देखो तो रेड बॉक्स नहीं होता, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो, और ये अप्लाई नाउ भी ऑप्शन दिख रहा है गाइस। तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा, ड्रेस कोड भी हो सकता है गाइस, और आपका काम पसंद आया उन्हें तो हो सकता है आपको गाइस जॉब ऑफर भी मिल जाए। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, इंटर्नशिप जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी थी थर्ड इंटर्नशिप गाइस। अब हमारी फोर्थ इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि बेसिकली मॉर्गेजेस एंड गोल्ड लोन इंटर्नशिप है, जो कि बेसिकली डीसीबी बैंक की है गाइस। अगेन बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, और ये भी वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है गाइस, मतलब आप उधर जाके आपको काम नहीं करना है। तो आप देखोगे 3 months की इंटर्नशिप होने वाली है, आपको 7,000 पर मंथ दिया जाएगा, और 203 एप्लीकेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अबाउट द इंटर्नशिप में आपको बेसिकली डेटा चेकिंग, कनेक्शन, फिर कम्युनिकेशन, फ्रॉड कंट्रोल, कॉम्प्लीशन ऑफ वेंडर डॉक्यूमेंट्स, वो सब गाइस आपको देखना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड होगा सेल्स टीम में। फिर आपको वर्किंग ऑन वेंडर रजिस्ट्रेशन, वेंडर की पेमेंट्स वगैरह, फिर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेटा एनालिसिस, उससे रिलेटेड गाइस आपको काम बताया जाएगा। और आप स्किल्स की बात कर लो तो गाइस आपको डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, फिर सेस, बिजनेस एनालिटिक्स, टेबल, अगर ये सब स्किल्स आते हैं गाइस तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखो तो गाइस बेसिकली 3 महीने की इंटर्नशिप होने वाली है, और अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा, मतलब अगर आप कॉलेज में हो गाइस तो भी आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब भी आपको गाइस मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, फिर सिविल चेक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग, हाउ टू हैंडल ऑडिट queries, importance of documentation, how to deal with vendors or business analysis. तो जिनको भी guys ये वाला करना है internship तो directly कर सकते हैं DCB bank की तरफ से guys, ठीक है। अब हमारी next internship आती guys, जो कि basically HR की internship है, फोन पे की तरफ से आई है guys ये, और फोन पे की तरफ से guys 6 months की internship है, और आपको हर month 20,000 मिलेंगे guys। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी आप देखो 349 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे गाइस। और आपका काम क्या रहने वाला गाइस? बेसिकली आपको हायरिंग करनी है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, फिर आपको पेरोल और डेटा मैनेज भी करना पड़ेगा गाइस, और वेंडर मैनेजमेंट, ये सब गाइस आपको संभालना है प्रॉपर। आपको हर चीज ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे क्या करना है गाइस उसकी टेंशन नहीं है, बस आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देखो तो ओनली दोस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु, ये लिखा जरूर है गाइस ऑफिस, बट आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। फिर आप गाइस डेट भी देख सकते हो गाइस, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट है 3rd February 2022, ठीक है। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप है, और ये टाइटन कंपनी की तरफ से दी जा रही है गाइस डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। ये भी आपकी 4 months की इंटर्नशिप होने वाली है, और यहाँ पे भी गाइस आपको 10,000 से 15,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ गाइस, और इसकी भी लास्ट डेट आपको मिल जाएगी गाइस 4th February 2022 होने वाली है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 353 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं गाइस। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप में बेसिकली सोर्सिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ रियल ब्रिजेस अक्रॉस इंडिया एंड प्रोफाइलिंग देम ऑन रिवर्स इंस्टाग्राम हैंडल सेंड, फिर उसके बाद आपको इस वर्किंग विद अ डिजिटल एजेंसी, आपको डिजिटल एजेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, फिर उनके कंट्री कोऑर्डिनेशन रिगार्डिंग शूट टू डेवलपिंग फाइनल एसेट्स फॉर द मार्केटिंग कैंपिंग्स, उससे रिलेटेड गाइस आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपको बेसिकली रिसर्चिंग करनी पड़ेगी रॉबस्ट वेडिंग इकोसिस्टम्स, जो कि इंडिया में है गाइस, उससे रिलेटेड गाइस आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलीनियम ब्रिज लैंडस्केप एंड डेविस्टेटिंग स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू बी मोर रेलिवेंट टू देम, और फिर गाइडिंग द डिजिटल एजेंसी रिगार्डिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, अलग अलग जो कि आर्टिकल्स होते हैं वो सब गाइस आपको गाइड करना पड़ेगा उन्हें। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है गाइस, ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली फुल टाइम होने वाली है, आप घर बैठे बैठे इसमें काम कर सकते हो। ये नंबर ऑफ ओपनिंग्स 1 है गाइस, पूरा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, और 5 दिन गाइस आपको काम करना पड़ेगा, तब सैटरडे और संडे आपका वीक ऑफ रहेगा गाइस, और प्लस आपको यहाँ पे भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि नेक्स्ट इंटर्नशिप है, अगेन फाइनेंस की इंटर्नशिप है गाइस, और पॉलीकॉन की तरफ से दी जा रही है। लोकेशन आप देख सकते हैं बैंगलोर है गाइस, तो बट ये अगेन वर्क फ्रॉम
थोड़ा होम इंटर्नशिप है तो उसकी टेंशन नहीं है गाइस। और ये 6 मंथ्स की होने वाली, पर मंथ आपको 30,000 दिया जाएगा, तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है गाइस। जिनको भी इंटर्नशिप करनी है आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो तो 261 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे। और आप देखो तो आपका काम क्या रहने वाला गाइस, सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग फाइनेंस टीम विद इन बेसिक अकाउंट फंक्शंस। आपको बेसिक अकाउंट फंक्शंस आने चाहिए गाइस। फिर वर्किंग क्लोजली विद द एचआर डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट गाइस। फिर आपको गाइस डॉक्यूमेंट अपडेशन और कलेक्शन करना पड़ेगा। फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा गाइस आपको डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और फिर मस्ट हैव वर्क्ड इन अ सीए फर्म। तो अगर गाइस आपने सीए फर्म में काम किया पहले तो एक एडवांटेज आपके लिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली आपको गाइस ये फुल टाइम है, तो आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलने वाले, 5 डेज अ वीक आपको गाइस काम है और जॉब ऑफर भी हो सकता है आपको। नंबर ऑफ ओपनिंग्स आप देख सकते हैं 5 है, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो उसमें गाइस, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि बेसिकली कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप है, जो कि गुड़गांव की तरफ से दी, गुड़गांव में गाइस मेक माय ट्रिप की तरफ से दी जा रही है। अगेन आप देखो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है ये, और आपको 20,000 दिया जाएगा पर मंथ गाइस। तो 138 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन आपको हर चीज बताएगी कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, जनरल सुपरविजन आपको मिलेगा गाइस, फिर सप्लाई टीम्स के साथ आपको गाइस काम करना पड़ेगा, एसओपीज, और फिर कोलैबोरेट करना पड़ेगा क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ गाइस। फिर आपको प्रॉपर आप देख सकते हो ये भी गाइस वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आपको वहां पे जाके काम करना पड़ेगा, इसलिए रेड बॉक्स दिख रहा है। तो जो भी गाइस गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव के आसपास रहते हैं, वो लोग डायरेक्टली इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है, मेक माय ट्रिप की। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि बेसिकली नायका फैशन की तरफ से दी जा रही है और मार्केटिंग की इंटर्नशिप है गाइस। अगेन ये 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली, और आपको गाइस 5,000 पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 562 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं गाइस। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन करना है गाइस, फिर मैनेज इन्फ्लुएंस कैंपिंग्स, अलग अलग जो भी कैंपिंग्स होते हैं उनको आप इन्फ्लुएंस करो गाइस, और प्रोवाइडिंग मार्केटिंग असिस्टेंस, उससे रिलेटेड गाइस आपको प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सब गाइस आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको दिया जाएगा, हो सकता है गाइस आपको जॉब ऑफर भी आ जाए, और नंबर ऑफ ओपनिंग्स 1 है गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि बेसिकली कस्टमर मार्केटिंग एंड सेल्स इंटर्नशिप है गाइस, जो कि बेसिकली सिप्ला कंपनी की तरफ से आई है गाइस। और अगेन आप देखोगे तो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली है, और आपको 7,500 से 10,000 के बीच में अमाउंट मिल सकता पर मंथ गाइस। और इसकी लास्ट डेट आप देखो 3 फरवरी 2022 होने वाली है गाइस। तो यहाँ पे भी आप देखो तो 154 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे गाइस। और अगेन गाइस ये जिस भी सिटी से है, ये आपकी सिटी मुंबई है, तो आप गाइस आप मुंबई से अगर बिलोंग करते तो भी तभी आप यहाँ पे अप्लाई करो, वर्क फ्रॉम होम वाले गाइस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपका काम होने वाला, और आपको एटलीस्ट बिजनेस एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग किससे रिलेटेड थोड़ा बहुत गाइस आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। या अदर रिक्वायरमेंट्स भी है गाइस इनकी, अगर FMCG, OTC, सेल्स ऑपरेशंस गाइस आपको बनते हैं, या आप एक्सेल में भी प्रोफिशिएंट हो, या फिर अगर गाइस आपको स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं, अगर नेगोशिएशन करते बनता तो भी गाइस आप ये वाली कर सकते हो। तो आपका बेसिकली यहाँ पे ड्रेस कोड होने वाला है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, और प्लस आप गाइस यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है, जो कि सेकंड लास्ट इंटर्नशिप है गाइस, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई है गाइस, MIS इंटर्नशिप। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे भी आपको अगेन 5 मंथ्स की इंटर्नशिप मिलने वाली, और 14,000 पर मंथ गाइस आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे प्रिपेयरिंग MIS के बारे में बताया गया है, इंटरेक्टिंग विद ग्रुप हेड्स एंड SRMs, फिर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वर्किंग ऑन कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर आप देख सकते हो, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो ये वाली में भी MIS इंटर्नशिप, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दी जा रही है गाइस। और आज की हमारी लास्ट इंटर्नशिप है गाइस, जो कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप, और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर पुणे में आपको गाइस काम करना पड़ेगा। अगेन ये आपकी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली है गाइस, और अगेन आपको 4,000 से 6,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ गाइस। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे 111 लोगों ने अप्लाई कर दिया, और इसकी लास्ट डेट 2 फरवरी 2022 होने वाली है गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे आप ये इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं, आपका काम क्या रहने वाला है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना, फिर उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैंपिंग आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट जो कि कैंपिंग आइडियाज होते हैं, फिर उसके में डिजाइनिंग आपको करनी पड़ेगी गाइस। और नंबर ऑफ ओपनिंग्स आप देखो तो
2 है गाइस, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी इंटर्नशिप या कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन मैसेज कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के बनाते रहूं गाइस। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतने रखते हैं गाइस, गुड बाय, सी यू टुमारो, गुड बाय गाइस।